तो चलिए खोलते हैं डिब्बे को, कुछ अनबॉक्सिंग दिखाते हैं। एक दो आईफोन जितना चौड़ा डिब्बा है, लेकिन हाँ पेपर का है, काफ़ी अच्छी प्रीमियमनेस है। ये ओपन हो चुका है, तो ये तो रहा अपना फ़ोन, इसको एक तरफ रखते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर क्या एक्सेसरीज हमको मिल जाती है। तो देखते हैं, ये आपको जैसे कि एक जो सिम इजेक्टर काफ़ी अच्छा ट्रांसपेरेंट में दिया है, यूनिक है, और ये बिल्कुल टाइप सी केबल, टाइप सी टू टाइप सी, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है ये भी, और ये इसको हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वाओ, बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग है दोस्तों। मोबाइल ऑनलाइन देखने में काफ़ी छोटा लग रहा था, लेकिन एक्चुअल में ना काफ़ी बड़ा साइज है। इन एंड फील काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो बड़ा है। चलिए बूट करते हैं इसको। नथिंग का लोगो आ गया, यूनिक स्टार्टअप है बहुत। ये जो हैप्टिक फील दी है ना इन्होंने, बहुत ही अच्छी है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, नोटिफिकेशन, हैप्टिक, यही तो इस फोन को बहुत खास बनाता है। ये आपका वायरलेस चार्जिंग है, और काफ़ी अच्छी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। ये जो हैप्टिक बटन्स हैं काफ़ी अच्छी, कुछ कुछ आईफोन वाली फील दे रहा है, जो इसके ग्रिल वगैरह दिए हैं कुछ कुछ आईफोन वाली। देखते हैं सिम इजेक्टर, इसमें क्या क्या सिम मिलती हैं। तो इसमें आप इसमें सिम टू एंड सिम वन दोनों लगा सकते हैं अपोजिट साइड में। वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, और ये ऊपर माइक्रोफोन मिल जाता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, वीडियो के समय में काम आता है और कॉलिंग पे भी। इसमें दो कैमरे मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल। ये एक LED लाइट है, जो कि जब हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तब चलती है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी दे रखा है। पीछे गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन है, काफ़ी मजबूत है। ये ट्रांसपेरेंट लुक जो इसके अंदर का सब दिखता है, प्योर वेनिला सिस्टम दे रखा है। UI में कोई भी एक्स्ट्रा एप्स नहीं है, गूगल है, और बेजल्स बहुत कम हैं, ना के बराबर ही हैं। तो ये लुक आता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। धन्यवाद।